बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टी टाइम के लिए बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 आलू ले लिए थे, बॉयल करके ग्रेट कर लिया था, उन्हें ऐड कर लिए हैं। इसके बाद मैंने 1 गाजर ले ली थी, वो भी ग्रेट कर ली थी, ऐड कर दिया 1/2 कप। इसके बाद मैंने 1/2 कप बंद गोभी ले ली थी, ये भी कद्दूकश की हुई है। 1 प्याज ले लिया था, बारीक कट कर लिया था। 2 सब मिर्चें बारीक कट कर ली थी। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है चीज़ें सारी मैंने मिक्स कर ली हैं अच्छे से। अब मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं करने वाली। बिल्कुल सिंपल से ये स्नैक्स होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो ज़रूर ट्राई किया करें ऐसी चीज़ें। इन सब चीज़ों को जो है मैं मिक्स कर लिया है। अब मैं इनको शेप दे दूँगी। हाथों को ग्रीस कर लेना है आपने ऑयल से, और इस तरीके से लंबाई में या जो भी आपको शेप पसंद हो वो शेप आप दे सकते हैं, और इन्हें प्रॉपर शेप दे के हम रख देंगे। तो मैंने ये शेप दी है थोड़ी सी लंबाई में। तो यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। पैन रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। शैलो फ्राई करूँगी मैं, डीप फ्राई नहीं कर रही। अब मैं अंडे में कोट कर लूँगी इन्हें और फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं सारे ऐड कर दूँगी फ्राई पैन में, और इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। फोर्क की मदद से मैं इन्हें जो है चेंज कर लूँगी, टर्न कर लूँगी, ताकि ये टूटे ना। एक साइड से टर्न हो गए हैं, तो मैंने टर्न कर लिया इन्हें। मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी जो टर्न हो गए हैं। सॉफ्ट हैंड से निकालना है, क्योंकि ये टूटने का इनका ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं, बाकी भी मैं ऐसे ही सेम निकाल लूँगी। तो यहाँ पे कटलेट्स जो हैं वो आलू के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।